हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया था कि JDK 1.6 के अंदर एक नया मेथड लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्री मेन। और अगर हम अपनी क्लास के अंदर ओरिजिनल मेन मेथड के साथ साथ इस प्री मेन मेथड को भी डिफाइन कर देते हैं तो JVM पहले हमारी क्लास के इस प्री मेन मेथड को एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद वो मेन मेथड को रन करता है। और साथ साथ मैंने ये भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये प्री मेन मेथड का पर्पस क्या है, ये क्यों लॉन्च किया गया। मैंने ये आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि वाया प्री मेन मेथड हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि JDK 1.6 से पहले पॉसिबल ही नहीं था। हम किसी भी कंडीशन में जावा के ऑब्जेक्ट का साइज फाइंड आउट नहीं कर पाते थे, बट अब ये पॉसिबल हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ प्री मेन मेथड। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस प्री मेन मेथड को रन करना सिखाने जा रहा हूं। अगर आप चाहें तो प्री मेन मेथड और मेन मेथड दोनों को ही एक ही क्लास में रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्री मेन मेथड एक सेपरेट क्लास के अंदर रहे और मेन मेथड एक सेपरेट क्लास में रहे, तो प्री मेन मेथड किसी अदर क्लास का एग्जीक्यूट हो और मेन मेथड किसी अदर क्लास का, ये भी पॉसिबल किया जा सकता है। चाहे तो आप सेम क्लास के अंदर दोनों मेथड रख दें, चाहे आप प्री मेन मेथड एक डिफरेंट क्लास में रखें और सेकेंडली आप ओरिजिनल मेन मेथड दूसरी क्लास में भी रख सकते हैं, तो भी आप प्री मेन मेथड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो आज मैं आपको इस प्री मेन मेथड को रन करना सिखाऊंगा कि हम इसे कैसे रन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसका कोड डिस्कस करता हूं कि हाउ वी राइट द प्री मेन मेथड। लेट्स सी, मैंने अपनी एक क्लास डिजाइन की है जिसका नाम रखा है प्री न्यू, ठीक। और इसके अंदर आप नोटिस करेंगे मैंने एक इंस्ट्रूमेंटेशन नामक इंटरफेस को यहाँ पर यूज भी किया है इस मेथड के अंदर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन नामक इंटरफेस है, ये हमें मिलता है एक पैकेज के अंदर जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट, जो हमें लैंग पैकेज के अंदर मिल जाता है। तो जब भी हम प्री मेन मेथड को अपनी क्लास में डिफाइन करते हैं तो इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट जाते हैं। नंबर वन, एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट जाता है। नंबर टू, दूसरा जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन नामक इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट। बिकॉज दिस मेथड इज कॉल्ड बाय द JVM ऑटोमेटिकली, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट JVM इस प्री मेन मेथड को कॉल करते वक्त इसके अंदर पास करेगा। अब अंडरस्टूड है कि इंटरफेस का तो कभी ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं, तो 101% JVM क्या करेगा, इस इंस्ट्रूमेंटेशन नामक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के और वो इसके अंदर पास करेगा। और मैंने अपनी फर्स्ट लाइन में यहां पर उस क्लास को के नाम को प्रिंट कराने की कोशिश करी है जो कि इस इंस्ट्रूमेंटेशन नामक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। और क्योंकि ये JVM इसको पास करेगा तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां मैंने क्या किया, अपने इस ऑब्जेक्ट पर जो मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरफेस का मिलेगा, दैट मींस उसकी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, उस पर एक मेथड चलाया गेट क्लास, जो कि रिटर्न करता है एक क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट। और फिर क्लास क्लास का एक मेथड है गेट नेम, जिससे हमें उस क्लास का नाम प्रिंट होता हुआ नजर आएगा जो कि इस इंस्ट्रूमेंटेशन नामक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। आफ्टर दैट मैंने एक मैसेज भी दिया, दिस इज प्री मेन मेथड। देन मैंने अपनी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम रखा है ए, और वो क्लास मैंने यही प्रोग्राम में नीचे डिफाइन भी कर दी है। देन इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरफेस का मेथड है सिंपल मेथड गेट ऑब्जेक्ट साइज, और इसके अंदर आप अपनी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां नोटिस करेंगे, मैंने अपनी ए क्लास का ऑब्जेक्ट जो है जिसका नाम A1 है, उसे यहां पे पास कर दिया, और ये मेथड इस ऑब्जेक्ट का साइज रिट्रीव करेगा और नंबर ऑफ बाइट्स के अंदर मुझे इसे रिटर्न करके दे देगा, जिसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। गॉट इट। और उसके बाद मैंने फिर इसमें ओरिजिनल मेन मेथड भी डिफाइन कर दिया। तो जब मैं इस क्लास को एग्जीक्यूट करूंगा तो सबसे पहले JVM प्री मेन मेथड चलाएगा और आफ्टर दैट वो इस मेन मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसे चलाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है हम लोगों को इस
क्लास को कंपाइल करना पड़ेगा जिसके अंदर मैंने प्री मेन मेथड को डिफाइन किया है। आफ्टर दैट हम लोगों को यहाँ एक मैनिफेस्ट फाइल बनानी पड़ती है, यानी कि एक फाइल जिसका एक्सटेंशन हमें .mf देना पड़ेगा। उस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हमें उस क्लास की एंट्री देनी पड़ेगी जिसके अंदर हमने प्री मेन मेथड रखा है। जैसा मैंने यहाँ एक फाइल बनाई abc.mf करके, ठीक, और इसके अंदर मैंने लिखा प्री मेन, पी मस्ट बी कैपिटल, और आपको यहाँ 00 कोऑर्डिनेट पे जाना होगा अपने एडिटर के अंदर जिसमें भी आप ये .mf फाइल बना रहे हैं। प्री मेन हाइफन क्लास सी मस्ट बी कैपिटल देन कॉलन, आफ्टर दैट आपको एक स्पेस छोड़नी होगी, देन प्री आपको अपनी उस क्लास का नाम देना होगा जिसमें आपने प्री मेन मेथड को डिफाइन किया है। लास्ट में जाके यू हैव टू प्रेस द एंटर की। एंटर की प्रेस करने के बाद जब आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा तब आपको इसे सेव करना होगा विद द एक्सटेंशन .mf। तो पहला स्टेप हुआ कि आप अपनी उस क्लास को कंपाइल कीजिए जिसके अंदर आपने प्री मेन मेथड को डिफाइन किया है। दूसरा स्टेप होगा कि आपको एक मैनिफेस्ट फाइल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर अपनी उस क्लास का नाम देना पड़ेगा जिसमें आपने प्री मेन मेथड को डिफाइन किया था। तीसरे स्टेप में अब आपको एक जार फाइल बनानी पड़ेगी और उस जार फाइल के अंदर आपको ये मैनिफेस्ट फाइल भी डालनी पड़ती है, साथ साथ आपको डॉट क्लास फाइल भी डालनी पड़ेगी उस क्लास की जिसमें आपने प्री मेन मेथड डिफाइन किया है। फोर्थ स्टेप में जाके फिर हम जावा टूल की हेल्प से इस क्लास को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो लेट्स सी, सारे स्टेप को हम वन बाय वन फॉलो करते हैं। सो सबसे पहले प्री मेन मेथड मैं डिफाइन कर चुका हूं। सबसे पहले मैं इस क्लास को कंपाइल करता हूं। लेट्स गो टू अ डॉस प्रॉम्प्ट, और मैंने जवैक एसेट प्री न्यू और अपनी इस क्लास को कंपाइल कर दिया। इसके बाद हमने बनाई अपनी एक मैनिफेस्ट फाइल, वो ये मैंने क्रिएट करी है प्री मेन हाइफन क्लास कॉलन स्पेस प्री न्यू, और इसको सेव कर दिया विद द एक्सटेंशन .mf। नाउ वी गो टू अ थर्ड स्टेप जो मैंने यहां मेंशन किया है। अब हम एक जार फाइल बनाएंगे, लेट्स मेक इट, ये देखिए। तो हम यूज कर रहे हैं जार टूल, इसके कुछ स्विचेस, हाइफन सी, सी स्टैंड्स फॉर क्रिएट, एम फॉर मैनिफेस्ट फाइल एंड एफ फॉर फाइल नेम। ये तीनों स्विच हमें यूज करने पड़ेंगे व्हाइल क्रिएटिंग अ जार फाइल। फिर मैंने अपनी मैनिफेस्ट फाइल का नाम दिया है जो कि मैं इस जार फाइल में डालना चाहता हूं, प्लस उसके बाद मैंने अपनी जार फाइल का नाम, या आप कुछ भी दे सकते हैं बट एक्सटेंशन मस्ट बी .jar। आफ्टर दैट आपको अपनी यहां पर उस डॉट क्लास फाइल का नाम देना पड़ेगा जिसके अंदर आपने प्री मेन मेथड को रखा है। सो जैसे ही मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारी एक जार फाइल बन जाएगी जिसका नाम होगा t2.jar, और उसके अंदर मेरी मैनिफेस्ट फाइल भी चली जाएगी और साथ साथ प्री न्यू डॉट क्लास फाइल भी चली जाएगी। तो लेट्स मेक इट, ये हमने जार फाइल भी तैयार कर ली है। अब हम इस क्लास को प्री न्यू को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए अब हमें एक कमांड देनी होगी, लेट्स सी। अब हमें क्या करना होगा, जावा टूल का एक स्विच यूज करना होगा जिसका नाम है हाइफन जावा एजेंट, और यहां पर अपनी उस जार फाइल का नाम देना होगा जिसके अंदर मैंने प्री मेन वाली क्लास भी डाली थी प्लस मैनिफेस्ट फाइल भी डाली थी, और यहां पर आप किसी भी क्लास का नाम दे सकते हो। देन व्हाट हैपेंस, जब मैं इसको रन करूंगा तो जो प्री मेन मेथड है वो उस क्लास का एग्जीक्यूट होगा जो t2.jar में पड़ी है, और मेन मेथड उसका एग्जीक्यूट होगा जो आप यहां पे लिखेंगे, ठीक। और फिलहाल तो मैंने दोनों ही क्लास को सेम रखा है। अब मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करूंगा तो मेरी प्री न्यू क्लास का पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा प्री मेन मेथड और उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा मेन मेथड। नाउ यू कैन चेक इट आउट, यहां पर मैंने सबसे पहले प्रिंट कराया था उस क्लास का नाम जो इंस्ट्रूमेंटेशन नामक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती थी,
और उस क्लास का नाम भी है इंस्ट्रूमेंटेशन इंप्लीमेंटेशन। फिर दिस इज अ प्रीमेन मेथड, आप चेक कर सकते हैं पहले प्रीमेन चला, फिर जो क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट पास किया था उसका साइज आ गया, दैट इज फॉर 24, ठीक। और ये वेरी कर सकता है डेटा मेंबर टू डेटा मेंबर्स, अगर आपकी क्लास में ज्यादा डेटा मेंबर है तो साइज ज्यादा आएगा, आपकी क्लास में कम डेटा मेंबर्स हैं तो साइज कम आएगा। और आफ्टर दैट आप नोटिस करेंगे मेन मेथड चला है उसी सेम क्लास का जो मैंने आपको यहां शो की थी, आप नोटिस कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो मेन मेथड किसी अदर क्लास का चला सकते हैं और प्री मेन मेथड किसी अदर क्लास का। सो अब हम ये काम करते हैं, मैंने एक और क्लास अपनी बनाई है प्री वन करके और इट इज हैविंग ओनली अ मेन मेथड। मैं चाहता हूं मेन मेथड इस क्लास का चले और स्क्रीन पे आउटपुट आए मेन ऑफ प्री वन, और प्री मेन मेथड चले मेरी प्री न्यू क्लास का जिसमें मैंने प्री मेन मेथड को रखा हुआ है। सो सिर्फ आपको छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, यहां पर अपनी उस डिफरेंट क्लास का नाम दे दीजिए। नाउ व्हाट हैपेंस, आपका जो प्री मेन मेथड है वो उस क्लास का चलेगा जो t2.jar में हमने रखी थी जिसमें प्री मेन मेथड भी डिफाइन किया था, और मेन मेथड प्री वन का चल जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा, मैंने आज आपको रन करना सिखा दिया कि कैसे हम प्री मेन मेथड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम इसके एक बार स्टेप्स को समराइज करें तो सबसे पहले हमने काम किया, हमने एक क्लास बनाई जिसके अंदर प्री मेन मेथड को डिफाइन किया, फिर उस क्लास को कंपाइल किया। स्टेप नंबर टू, हमें बनानी पड़ेगी एक मैनिफेस्ट फाइल जिसके अंदर हमें अपनी उस क्लास का नाम देना पड़ता है जिसके अंदर प्री मेन मेथड होता है। नंबर थ्री, हमें एक जार फाइल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हमें अपनी मैनिफेस्ट फाइल प्लस प्री मेन वाली क्लास को ऐड करना पड़ेगा। और देन हम नंबर फोर स्टेप में जावा टूल की हेल्प से उसका एक स्विच यूज करेंगे हाइफन जावा एजेंट, और फिर हम किसी भी क्लास को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट प्री मेन हम अपनी पर्सनल क्लास का एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो टू एग्जीक्यूट द प्री मेन मेथड। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक के ऊपर मुझसे वीडियो चाहते हैं। वैसे मैं अपनी तरफ से तो आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहूंगा, और आप चाहते हैं कि अगर मैं आपकी पसंद की वीडियोस भी लेके आऊं तो प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।